नमस्कार, मैं मोहनलाल सवान, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापुर, बिला गोरसना, जनपद झांसी, उत्तर प्रदेश से आया हूँ। और मेरा नवाचार है बच्चों के साथ मूर्ति बनाना। मैंने देखा मेरा अंतर जनपद स्थानांतरण जनपद बांदा से झांसी हुआ, तो मैं जिस स्कूल में गया मैंने देखा कि वहाँ पर नाम तो बच्चों की बहुत लिखे हैं लेकिन बच्चों की उपस्थिति बहुत कम है, जिस और ख़ास करके बालिकाएँ, बालिकाएँ तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। मैंने देखा और गाँव में घूमा कि आखिर बालिकाएँ क्यों नहीं आती हैं, क्या ऐसी वजह है जो कि बालिकाएँ स्कूल में नहीं आती हैं। मैंने देखा गाँव में पूरा घूमा, तो गाँव में जा कर के मुझे पता चला कि अधिकतर गाँव में जो लोग हैं वो कुम्हार हैं और अपनी बच्चियों को अपने घरों में लगाए रहते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए लगाए रहते हैं, जो भी मिट्टी का सामान बनता है उसमें लगाए रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे इनको भविष्य सृजन के लिए काम आए इनके, और ये सीखें और स्कूल में उपस्थिति बढ़े। जिससे तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इनके लिए मूर्ति बनाऊँ, चूँकि बच्चे मूर्ति बनाना पहले से मूर्ति नहीं मिट्टी से कुछ परिचित थे। तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों मैं आप सभी के लिए मूर्ति बनाऊंगा, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो बच्चे सब तैयार हो गए। शुरुआत में कुछ बच्चों ने भाग लिया कि चलिए ठीक सर, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो कुछ बच्चे इस गांव से मिट्टी चाहिए थी, मिट्टी लेके आए, लकड़ी लेके आए और सब सामान लेकर के आए। तो मैंने मिट्टी से मूर्ति बनाना शुरू किया। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनाना शुरू किया तो ये खबर पूरे गांव में एकदम फैल गई कि स्कूल में मूर्ति बनाई जा रही है। तो जो बच्चियां स्कूल में नहीं आती थी वो दौड़ के आई, साथ में जो बच्चे घर बैठे रहते थे वो भी आए। और इससे सबसे अच्छा क्या हुआ कि जो अभिभावक जिनको विद्यालय से कोई मतलब ही नहीं था, ये स्कूल आना है स्कूल से कोई मतलब नहीं था, वो अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को स्कूल खुद लेकर के आए और खुद छोड़ के आए। इससे ये प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ उपस्थिति तो बहुत बढ़ गई, साथ ही जो बालिकाएँ स्कूल में नहीं आती थी, घर बैठी रहती, शिक्षित नहीं हो रही थी, वो शिक्षा ग्रहण करने लगी और प्रतिदिन उपस्थिति का प्रतिशत अच्छा हुआ। साथ ही जो गांववासी का जो हमारा सहयोग मिला हमें, जो पहले कभी नहीं मिलता था, एकदम सारे गांववासी पूरे स्कूल में हमेशा सहयोग के लिए तैयार होने लगे। संयोग से उस समय सितंबर का महीना था, लास्ट में इसका नवरात्रि का पर्व था, तो पूरे गांव वाले बैंड बाजों के साथ गांव में आए, मूर्ति उठा के ले गए और पूरा धूमधाम से पूरे 9 दिन तक धमाकेदार खूब कार्यक्रम हुआ। मैंने बहुत सहयोग किया, लेकिन मेरे स्कूल में लाभ हुआ कि सारी बच्चियाँ और बच्चे सारे स्कूल में आने लगे। धन्यवाद।